मैनु शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी है, साडा ते शायर का कहना है कि हुजूर मुझे शौक मदीने आने का है और मेरे दिल में हसरत कुछ और नहीं है। हुजूर मेरी तो औकात भी नहीं, मेरा कोई जोर भी नहीं, आप बुलाएंगे तो ये रास्ता खुल जाएगा। नबी पाक की बारगाह में इस तड़प के साथ इंशाल्लाह आप भी पढ़िए, आप भी अपनी इल्तिजा पेश कीजिए, इंशाल्लाह करम होगा और बुलावा आ जाएगा। और वाकई अगले शेर में शायर लिखता है कि हुजूर ना अकल है ना शक्ल है, ना मुझे आपकी बारगाह में इल्तिजा करने का ढंग आता है, ना मेरे पास इमाम जामी जैसा कलाम है, ना इमाम रूमी जैसे मेरा इश्क है, मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, हुजूर आपका उम्मती हूँ, मगर शौक बड़ा है मदीने आने का, करम कीजिए और जल्दी बुला लीजिए। क्या लिखते हैं, मेरी अकल भी नहीं मेरी शक्ल भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा रूप भी नहीं मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनाउण दा ढंग भी नहीं, मेरा इश्क भी रूमी वरगा दई, मेरा इश्क भी रूमी वरगा नहीं, आका मेरी जामी वरगी टोर नहीं, पर मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, मेरा इश्क ये कहदा है हौसला रख आका दा बुलावा आवेगा, मेरा इश्क ये कहदा है हौसला रख आका दी ज़ियारत होवेगी, पर की करिए बे सबरी दा, पर की करिए बे सबरी दा, मेरे दिल विचों जांदा चोर नहीं, मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं, आका तेरी मर्जी ए साडा ते कोई जोर नहीं, तेरी कब्र ते हाफिज लखवारी पावे दुनिया पाले लख दीवे। शायर कहते हैं कि तखल्लुस हाफिज था कि अब तुम्हारी कब्र पर आकर दुनिया बहुत सारे रोशनी का इंतजाम भी कर दे, मगर याद रखना अगर दिल में इश्क नबी नहीं ना तो कब्र रोशन नहीं होनी, बाहर की रोशनी कब्र की रोशनी में काम नहीं आएगी, दिल में इश्क नबी लेकर जाएंगे तो कब्र रोशन हो जाएगी। क्या लिखते हैं, तेरी कब्र पे हाफिज लखवारी पावे दुनिया इश्क नबी दा नहीं, जे दिल विच इश्क नबी दा नहीं, तेरी रोशन होनी गौर भी नहीं, आका मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं,
मर्जी साडा ते मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।